और पोजिंग में भी इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कुछ, उसको मैच मिक्स किया जा रहा है यहाँ पे भी। 44 बहुत अच्छी है वो जो हाँ, वही तो तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल केतन ओला व्लॉग्स। तो यार सुबह सुबह हम गए थे आज कार्ड बांटने, और हमारे वहाँ देखो चलता है ऐसा कि जब भी किसी का शादी होती है तो आसपास के जितने भी हम बिरादरी वाले लोग होते हैं, बिरादरी इन द सेंस कि एक ही परिवार के जो लोग होते हैं, क्यों एक परिवार इन द सेंस कि हमारी 3-4 पुस्तें एक ही होंगी, हाँ तो वो हाँ कार्ड बांटने जाते हैं, बस अभी वही बांट के आए हैं। और ऐसा होता क्यों है? गाँव में निमित्त देने होगा तो बताना होता है। तो आजकल तो फोन भी चल गए हैं, फोन व्हाट्सएप सबके पास फोन भी क्या रहते हैं, ये बात भी है, गांव के वो रीति रिवाज हुए। और हम बस वही अभी करके आए हैं, और यार अभी घर जाना है मुझे, काम बहुत सारे करने हैं बिकॉज आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। सबसे पहले भूख लगी है, नाश्ता नहीं किया मैंने। क्या बना नाश्ते में? बना आज भिंडी। भिंडी तो भिंडी खाते हैं, इसके बाद सीधे काम करने जाएंगे। ठीक है, लेट्स गो। तो यार दिन से निकला हूँ, अभी सनसेट का टाइम हो गया है, यार 6 बजने को है और अभी तक मैं घर नहीं पहुँचा हूँ। और हाँ पूरी तरीके से यार थक चुका हूँ, एग्जॉस्टेड, मतलब पसीना तो यार आप लोग पूछो मत। लेकिन अभी एक जगह जाना और वो जगह बहुत खास है बिकॉज अपने भाई का है कंपटीशन, और कंपटीशन कंपटीशन क्या है आप लोगों को मालूम चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ भाई को यार फुल सपोर्ट करना, और वो है कौन आप लोग को पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब क्या ही बोलूँ आप लोग, बाकी आप लोग समझ ही जाएंगे, इतने समझदार तो आप लोग हैं ही। ठीक है, तो थोड़ी देर मिलते हैं आपसे। और हाँ चलो घर चलते हैं, खाना खाते हैं बिकॉज सुबह से ना कुछ नहीं खाया। वेन्यू और आज भाई का अपने बॉडी कंपटीशन, तो आपको मिलाएंगे अभी आने वाले ऑल इंडिया पुलिस गेम्स, और जो कि हमारे वर्ल्ड पुलिस गेम कनाडा में होने जा रहे हैं, कनाडा और नीदरलैंड है, दोनों खिलाड़ी हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें। एक बार जोरदार तालियां। जल्दी से मैं चाहूंगा कि दो शब्द मैं अपने अभिषेत्री इस चैंपियनशिप के लिए बात खत्म करें। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भारत। यार देखो बैक से जा रहे हैं, अभी बैक से जगह पर बैक स्टेज जा रहे हैं, और जो अपना भाई है उससे पहले मिल के आते हैं। देख सकते हैं अभी बैक स्टेज में और अभी कंपटीशन चल रहा है। देखो ये कौन सा बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, ओके ओके ओके। अगर अभी ऐसा स्टेज में आज हो रही है, जो भी जीता है भाई बहुत शानदार है यार। हमारा भाई तो हमें मिल ही नहीं रहा है, बैक स्टेज हमने पूरा छान लिया, इनफैक्ट पूरा गायब चल रहा है। ये इतना पतला भी नहीं है यार। ना ना ये नहीं है यार, ऐसा नहीं है भाई यार, इनमें से कोई नहीं है। ये हमारे तीन रोंडे आए हैं गाइस, हमारी पूरी टीम आ चुकी है। हेलो गाइस, हेलो, आधी भी नहीं हुई है। लेकिन जिसके लिए हम आए हैं, जिसे हम चेयर अप करने आए हैं, वो कहाँ है? डेजी कंपटीशन का बैक यार्ड एरिया, बैक स्टेज एरिया सॉरी। हम मिस्टर उत्तराखंड में लड़ रहे हैं, छोटी मोटी चीजों में नहीं देखना, छोटी मोटी चलता ही नहीं ब्रो। यहाँ पर सब मांस वाले बंदे आए, मेंस फिजिक वाले बंदे हैं, बाकी मेंस फिजिक नहीं, मांस वाले बंदे हैं। जिनके अंदर मांस भर भर के, एक हमारे दस भाई है, इनसे मिलिए। हेलो, फुल सपोर्ट चल रहा है। और ये हमारे ऐसे हैं कि 1,001 क्विंटल अपने, मतलब 10 क्विंटल छुपा के रखते हैं, 10 क्विंटल वेट उठाते हैं, 10 क्विंटल समझ रहे कि, और जो उठाते उठाते लोगों की डैश हो जाती है। अच्छा वो तो बाद में होगा उसका, तो बाद होगा। अच्छा अभी तो टाइम है फिर उसमें, यार ब्रो तो लाइन अप हो चुके हैं, बहुत शानदार भाई, बहुत डेडिकेटेड है यार। गुड टू गुड ब्रदर, बाकी एक भाई यहाँ भी यार रेडी हो रहे अपने कॉम्पिटिशन के, बेस्ट ऑफ लक ब्रो। हाँ हाँ भाई, दबे इनके अलावा, इनके अलावा सबसे अच्छी फिजिक किसकी लगी है इनको, ये बात पता की करी गए थे वो थोड़ा चल रहे थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और भाई का लुक देखिए बिल्कुल, वो कांचा चीना, डेडली लुक, डेडली लुक। चलो गाइस, हमारे तो यहाँ जिसको हम सपोर्ट करने, वो ये अब हम सोच रहे हैं कि सपोर्ट किसको करें।
अभी ऐसा कुछ नहीं है, आने वाला है, किसी को भी सपोर्ट किया जा सकता है, बट अभी हमारा उस बंदे का सपोर्ट है जिसके लिए हम आए हैं, बेसिकली आए हैं जिसके लिए उसको सपोर्ट करना है और बहुत अच्छे जिताना है, मिस्टर उत्तराखंड मेंस को बनाना है उसको। फाइनली आप ब्रो इज हियर, अब रेडी हो रहे हैं मिस्टर उत्तराखंड, मिस्टर अपकमिंग मिस्टर उत्तराखंड इन मेंस फिजिक। ड्रीम टीम, वेयर इज आवर टीम? फीलिंग एक्साइटेड है। हल्की हल्की भाई हेल्परों की भी ले लो। इन्होंने वन से सीक्वेंस लिखी है पवन नौला, ठीक है, 44 ठीक है। तो फाइनल टचअप होने वाला है बस, सपोर्ट देख रहे हो भाई का, रजुल भाई हल्के हाथ से करना। हाँ अरे बहुत चमक रही, बहुत शाइन आ रही है भाई, अब शाइन आ गई। वो पल यार गला ही बैठा दूंगा आज, आप ऐसा सोच के देखा कि मुझे खाना मिलेगा उसके बाद 10 मिनट बाद। खुशी जो उस खुशी से करना जो खाने का मन है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाने का, बहुत ले रहा हूँ उस टाइम के लिए। ये हो जाए आपकी स्टेज में ऐसे खड़े रहना, ऐसे ऑब्लिक्स पे ना बॉडी का लोड डालना है आपको, चेस्ट का लोड डाल। 44 जब आप लोग चुप होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, चलो बढ़ जाते हैं आगे। 44 पुन्नू रॉकेट नंबर 7 नंबर 44 लड़कियों को इतना जोश देख के मुझे लग रहा है मैं डर के मारे सिर्फ
मिस उत्तराखंड इसलिए नहीं कराता हूँ डर के मारे के मुझसे मेंस की भीड़ नहीं संभाली जाती, मैं वुमेन्स की कहा संभालूंगा। तो आप इतना जोश देख के लग रहा है अगले साल वुमेन्स का भी कराना पड़ेगा मुझे। और बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन रहा वुमेन्स का हमारे यहाँ मिस इंडिया में, और दो मेडल उत्तराखंड के लिए बने हमारे। तो नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे, अगर ऐसी ऐसी डिसिप्लिन बना के रखोगे तो जरूर कराऊंगा। क्रम नंबर 63 भवेश। फिफ्थ प्लेस क्रम नंबर 44 जिन खिलाड़ियों का कंपटीशन कंप्लीट होने जा रहा है पीछे से अपने फूड पैकेट ले लेंगे, फूड पैकेट अपने लेते जाएंगे। थोड़ा जल्दी करिए। सेकंड प्लेस हाँ वही तो मैं कहता क्या बोला था करके वो भी बोला था लेकिन ना फिजिक अच्छी है आपने उसको सो नहीं किया। हाँ आपने कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लगा ना बैग नहीं थी किसी की आपने सो नहीं किया। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ आगे तो छिलोगे अब तुम ये मिल गया हमको जी जो मेरे को मिला था काट लेना उसमें। तो फाइनली यार कंपटीशन तो ओवर हो गया है और हाँ तो आप लोग सेटिस्फाई हैं रिजल्ट के साथ? रिजल्ट से हाँ सेटिस्फाई हैं। मैं तो नहीं। तो यार देखो थोड़े से मतभेद होते रहते हैं 30 कंटेंडर से जिसमें से यार फिफ्थ पोजीशन नॉट बैड पहला कंपटीशन था भाई। बाकी देखो एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ इंसान सीखता है तो हमें भी सीखना चाहिए देखो। और हाँ बाय द वे देखो भाई तो थका थका कंपटीशन लड़ते लड़ते हम भी बहुत थक चुके हैं, किसी का गला बैठा है किसी को पानी की प्यास लगी है। जो कंपटीशन था सब देखो जजेस के हाथ में रिजल्ट, बाकी फेयर इनफ मुझे तो फेयर इनफ लगा। बट अब देखो होता है यार देखो हम जिसको सपोर्ट करते वो नहीं जीतता है तो कहीं ना कहीं तो बुरा तो लगता है बट हाँ रिजल्ट इनको इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है, बुरा हमको भी लगा है बट हमने कुछ ना कुछ देखा होगा तभी हम बोल रहे हैं कि सही बात है। बट फिफ्थ अगर हाँ मेरा जो बंदा है हमारा जो बंदा जो फिफ्थ आया है बस उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो उस पर कैपेबिलिटी थी कि वो फर्स्ट आ सकता था। तो इनफैक्ट यार आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में कि लास्ट में जो एक जजेस थे वो खुद गए उनने कुछ कहा सिर्फ उसी से ही बोला कि आपकी फिजिक बहुत अच्छी। तो यार ये बात भी देखो मानने वाली है कि खुद जजेस ने आगे बोला है। बाकी यार देखो जो भी था वेल एंड गुड हमें अच्छा लगा। तो यार कोई बात नहीं चलो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पे एंड करते थे यार, होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा। और हाँ अगर ऐसी वीडियो आपको और देखनी है इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना और हाँ कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे कल एक फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सी यू सून बाय जय हिंद।